नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और आज हम आपको नई रेनॉल्ट ट्राइबर की 5 ऐसी खूबियां बताएंगे जो उसके प्रतिस्पर्धी मारुति इको में मौजूद नहीं है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हर राहक के लिए ट्राइबर ही इको से बेहतर साबित होगी। इको में भी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो ट्राइबर में मौजूद नहीं है, जिन सबके बारे में हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि रेनॉल्ट ट्राइबर और मारुति इको के फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फोन पर तुरंत पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंदरूनी जगह और कम्फर्ट की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा रखी हुई 4 मीटर की सीमा के अंदर यात्री कक्ष को ज्यादा बड़ा कैसे बनाएं, ये तो कोई रेनॉल्ट से सीखे। ट्राइबर के अंदर 7 यात्री इको से कहीं ज्यादा आराम के साथ बैठ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ट्राइबर इको से 1 फुट लंबी और 7 इंच चौड़ी गाड़ी है। ऊपर से ट्राइबर के सीट्स इको से कई गुना ज्यादा आधुनिक और आरामदायक हैं। और तो और, ट्राइबर की सबसे पिछली सीट स्प्लिट फोल्डिंग है, जिसे फोल्ड करने के बाद 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके विपरीत इको की कोई सीट फोल्ड नहीं होती और सबसे पिछली सीट निकाल के भी रख दी तो ड्राइवर से 125 लीटर कम बूट स्पेस मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं सस्पेंशन और कंफर्ट की। इको का सस्पेंशन कंफर्ट साधारण गाड़ियों की तुलना में बहुत ही मामूली है। इको जैसी ऊंची और पतली गाड़ी में मोड़ों पर पलट जाने की संभावना रहती है। उससे बचने के लिए सुजुकी के इंजीनियर्स को सस्पेंशन इतना सख्त करना पड़ता है कि छोटे से छोटे गड्ढों को भी इको ठीक से सोख नहीं पाती। दूसरी तरफ है ट्राइबर, जो बनी है रेनॉ के क्विड वाले CMFA प्लेटफॉर्म पर। ऊपर से ट्राइबर का व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी क्विड से बढ़ाई गई है और बड़े अथवा चौड़े टायर्स भी बैठाए गए हैं। नतीजा ये कि आपको इको की तुलना सस्पेंशन कम्फर्ट में जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। जब बात आए इंटीरियर्स की तो ओमनी के बंद होने के बाद अब इको ही मारुति की सबसे साधारण इंटीरियर्स वाली गाड़ी रह गई है। उसका 20 साल पुराना डिजाइन और बेहद चीप प्लास्टिक्स आपको अच्छी फीलिंग बिल्कुल नहीं देते। इसके विपरीत ट्राइबर में रेनॉल्ट ने इंटीरियर्स पे खासा मेहनत की है। इस बात का एहसास उसका दरवाजा खोलते ही लग जाता है। क्विड में हुई गलतियों से रेनॉल्ट ने अच्छा सबक लिया है। ट्राइबर का आधुनिक डुअल टोन डैशबोर्ड डिजाइन, अपहोल्स्ट्री की गुणवत्ता और ट्रिम्स की बनावट अर्टिगा तक को टक्कर दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। जिन ग्राहकों के परिवार में 6-7 सदस्य हैं लेकिन अर्टिगा खरीदने का बजट नहीं है, वो आज मजबूरी में इको खरीद रहे हैं। और सिर्फ छोटे गाँव में नहीं बल्कि शहरों में भी। शहरी ट्रैफिक की परिस्थिति तो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है, इसलिए रेनॉल्ट ने ट्राइबर में AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है। शहरी ग्राहकों के लिए इससे बड़ा वरदान हो ही नहीं सकता। अब 7-सीटर गाड़ी के ग्राहक भी हर रोज क्लच गियरबॉक्स रगड़ने से छुटकारा पा सकते हैं, और वो भी अर्टिगा ऑटोमेटिक से 5 लाख रुपए कम में। दोस्तों अब बात करेंगे पकड़ और संतुलन की। इको आधारित है मारुति सुजुकी की पुरानी वर्षा गाड़ी पे, जिसके विज्ञापन में अमिताभ और अभिषेक बच्चन आते थे, याद है ना? वो 20 साल पहले अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में लॉन्च हुई थी। इन 20 सालों में गाड़ियों के उत्पादक काफी विकसित हो गए हैं। 20 साल पुरानी शैसी और आधुनिक शैसी में जमीन आसमान का फर्क है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और इंजीनियरिंग के उपयोग से आज समान वजन की शैसी 10 गुना ज्यादा मजबूत बन रही है। शैसी जितनी कड़ी होती है उतनी बढ़िया पकड़ और संतुलन बनाए रखती है। इको तो मोड़ों पर बिल्कुल अच्छी पकड़ नहीं रखती और काफी धीमी रफ्तार पे ही अंडरस्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। रेनॉल्ट ने ट्राइबर को बिल्कुल सही साइज के एयर टायर्स दिए हैं, होंडा अमेज जैसी गाड़ी से भी 1 इंच बड़े और 10 mm चौड़े। ऊपर से क्विड की पकड़, नियंत्रण और सस्पेंशन ट्यूनिंग करने की क्षमता, किसी भी हालत में रेनॉल्ट ट्राइबर की हैंडलिंग ह्युंडई की एक्सेंट और ग्रैंड आइटन से बेहतर होगी, इस बात पर 100% विश्वास किया जा सकता है। और एक्सेंट और ग्रैंड आइटन की श्रेणी की सबसे कमजोर नियंत्रण वाली गाड़ियां भी इको से 100 गुना बेहतर है, ये तो आपको पता ही होगा। दोस्तों अब बात करेंगे कीमत और फीचर्स की। रेनॉल्ट निसान की डैटसन गो प्लस 7-सीटर गाड़ी का AC पावर स्टीयरिंग वाला मॉडल इको से 1.5 लाख रुपए महंगा है। अब गो प्लस बनी है निसान के वी प्लेटफॉर्म पे, जो माइक्रा, सनी, रेनॉल्ट पल्स और रेनॉल्ट स्केला में इस्तेमाल किया गया था और काफी महंगा प्लेटफॉर्म था। लेकिन ड्राइवर बनी है सस्ते CMFA प्लेटफॉर्म पे, जो क्विड और डैटसन रेडी गो में इस्तेमाल होते हैं।
तो ऐसी भी संभावना है कि ड्राइवर का सबसे सस्ता एसी पावर स्टीयरिंग मॉडल गो प्लस से थोड़ा सस्ता रहे, और इको में एसी पावर स्टीयरिंग के अलावा कोई फीचर्स मिलते नहीं। तो अगर समान फीचर्स वाली इको और ड्राइवर में सिर्फ 1.25 लाख का फर्क होगा तो भला कोई इको क्यों खरीदेगा। तो दोस्तों, ड्राइवर के इको के ऊपर क्या फायदे हैं ये तो आपने देख लिया। अब ये देखते हैं कि इको में ऐसे कौन से फायदे हैं जो ड्राइवर में मौजूद नहीं है। सबसे पहला फायदा है रियर व्हील ड्राइव। दोस्तों, इको की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, जबकि ड्राइवर एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी। मिट्टी और कीचड़ से भरे रास्तों पर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां बहुत जल्द अपनी पकड़ खो देती हैं, और कीचड़ में ये गाड़ियां आसानी से फंस जाती हैं। रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां कीचड़ में भी कई गुना बेहतर पकड़ बनाई रखती हैं। इसकी वजह ये है कि रियर व्हील्स गाड़ी को ढकेलते हैं जबकि फ्रंट व्हील्स गाड़ी को खींचते हैं। तो अगर आप कच्चे रास्तों पर गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपके लिए इको ड्राइवर से बेहतर पर्याय है। अब बात करेंगे टिकाऊपन और सर्विस की। सुजुकी की गाड़ियों ने पिछले 30 सालों में अपना टिकाऊपन साबित कर दिया है। दूसरी ओर रेनो की CMFA प्लेटफॉर्म की गाड़ियों का टिकाऊपन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। शुरुआत में तो क्विड में ढेर सारी कमियां पाई गई थी, अब उनमें से आधे से अधिक कमियां रेनॉल्ट ने सुधार कर ली हैं। मगर आज भी अगर आप 4 साल पुरानी 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई इको और क्विड की तुलना करेंगे तो इको क्विड से काफ़ी बेहतर हालत में पाएंगे। ऊपर से मारुति के सर्विस सेंटर्स की कारीगरी और व्यवस्था भी रेनो के सर्विस सेंटर से कई गुना बेहतर है। और तो और, मारुति के 3000 से अधिक सर्विस सेंटर्स देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं, जबकि रेनो के मुश्किल से 200 सर्विस सेंटर्स ही आपको मिल पाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रेनो के सर्विस सेंटर से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं तो आज भी इको ही आपके लिए ड्राइवर से ज़्यादा उचित विकल्प है। तीसरा पॉइंट है CNG। इको का तीसरा और आखिरी फायदा है उसका CNG मॉडल। जो ग्राहक दिन में 30 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं और वो दिल्ली NCR जैसे इलाके में रहते हैं जहाँ CNG बहुत आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर इको CNG आपके बहुत पैसे बचा सकती है। ऐसे ग्राहकों को ड्राइवर में पेट्रोल भराने पे इको में CNG भराने से 2 लाख रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे ग्राहकों के लिए इको का CNG मॉडल बेहद किफ़ायती पर्याय साबित हो सकता है। अब आते हैं अंतिम निर्णय पे। तो दोस्तों, रही बात पिकअप और माइलेज की, तो उस मामले में दोनों गाड़ियों में आपको कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रेनो के सर्विस सेंटर्स उपलब्ध नहीं हैं और कच्चे रास्तों पर गाड़ी चलानी पड़ती है, वहां इको ड्राइवर से बेहतर विकल्प है। वरना बाकी सभी ग्राहकों के लिए ड्राइवर इको से कई गुना श्रेष्ठ पर्याय है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और गाड़ियों की तुलना देखनी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि ऐसे वीडियोस की डिमांड है। धन्यवाद।